गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम एकाग्रता मंत्र का अभ्यास करेंगे। एकाग्रता मंत्र यम वैदिका मंत्र दृशा पुराण इंद्रम यम तरिष्यामि वेदांतिनो निर्वचनीय लेखम यम ब्रह्म शब्देन वदिष्यन्ति शैवायमीशं शिवैत्योचन यम वैष्णवाभिस्मृति स्तुवन्ति बुद्धस्तधारमिति बौद्ध जैन स्वामी प्रार्थयन्ते जगदीश तारं एव प्रभु प्रादुतिया। आइए इसका भावार्थ देखेंगे। यम वैदिका मंत्र त्रिशत पुराणा इंद्रम यमम मा तरिस्वान माहु वेदांति मोनिर वचनीय अनेकम यम ब्रह्म शब्दे नवनिर्दिशन्ति। अर्थात प्राचीन काल में मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिसे इंद्र यम मातरिश्वा कहकर पुकारा और जिस एक अनिर्वचनीय को वेदांति ब्रह्म शब्द से निर्देश करते हैं, अगला श्लोक देखेंगे। इसमें शैवायमीशं शिवैत्योचन यम वैष्णवाभिस्मृति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा हरिभिः बौद्ध जैन सत्स्वीय काले च सिद्धसन्तः। शैव जिसको शिव और वैष्णव जिसको विश्व कहकर स्तुति करते हैं, बौद्ध और जैन जिसे बुद्ध और अर्हत कहते हैं, तथा सिख संत जिसे सतश्री अकाल कहकर पुकारते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा घट घट व्यापी और सभी के हृदय में निवास करता है। हमें एकात्मता मंत्र के माध्यम से उस परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए और उसे धन्यवाद देना चाहिए। अगला इसमें श्लोक आता है शास्त्रेति केचित् प्रकृति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स एक एव प्रभुरा द्वितीया।
जिस जगत के स्वामी को कोई शास्ता तो कोई कुमार स्वामी कहते हैं, तो कोई जिसको स्वामी माता पिता कहकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं, वह प्रभु एक ही है और अद्वितीय है, अर्थात उसका कोई जोड़ नहीं है। कहा भी गया है कि श्लोक में आपने देखा होगा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात उसी परब्रह्म परमात्मा को माता पिता बंधु सखा उसी को विद्या और उसी को सभी देव देवी देवता के रूप में माना गया है। उस परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी और घर घर में निवास करने वाला है, वह अद्वितीय है। उसके लिए कहा गया है एको अहम द्वितीयो नास्ति, अर्थात उसके समान कोई दूसरा और कोई शक्ति नहीं है। उसके संदर्भ में एक कविता स्मरण आती है, परमात्मा के लिए उसकी रचना के लिए उसके प्रभाव को समझने के लिए एक कविता स्मरण आती है, उसको ध्यान से सुनेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। इस कविता में उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा जो भी हमें प्रकृति में प्रदत्त है उसका वर्णन किया गया है, अर्थात जिसने सूर्य और चांद बनाए हैं, जिसने तारों को चमकाया है, जिसने फूलों में महक भरी है, जो प्रातः काल चिड़ियों को चहकाता है, और जिसने इस संपूर्ण जगत की रचना की है, हम उस परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करें और अपना शीश झुकाएं।
ऐसा करने से हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी और उससे हमें शक्ति और शांति प्राप्त होगी। इस एकात्मता मंत्र का प्रतिदिन स्मरण करने से हमारा दिनचर्या जो है वह व्यवस्थित रहती है और हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उनको स्मरण करेंगे और एकात्मता मंत्र के श्लोकों का अभ्यास करेंगे, स्मरण करेंगे उसको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, मंत्र दृष्टा ऋषियों को किस नाम से पुकारा है? पहला प्रश्न है, मंत्र दृष्टा ऋषियों को किस नाम से पुकारा है? किस नाम से पुकारा है? दूसरा है, वेदांत में अनिर्वचनीय शब्द वेदांत में अनिर्वचनीय शब्द क्या है? नेक्स्ट है, नंबर 3 क्वेश्चन, शिव के उपासकों को शिव के उपासकों को शिव के उपासकों को क्या कहा जाता है? शिव के उपासकों को क्या कहा जाता है? नंबर 4 है, विष्णु के उपासकों को विष्णु के उपासकों को क्या कहा जाता है? नंबर 5 है, ईश्वर को बौद्ध और जैन धर्म ईश्वर को ईश्वर को
बौद्ध और जैन धर्म किस नाम से मानते हैं? किस नाम से मानते हैं?